कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल कमीशन के एक ऐसे ऑर्डर की जिसमें उन्होंने अपील और रिवीजन के स्टेज पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की परमिशन दी है। सबसे पहले तो हम अपील और रिवीजन की बात करने से पहले ये जान लें कि अपील क्या होती है और रिवीजन क्या होती है। अपील में यदि आप लोअर कोर्ट से उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होते तो आप अपील में जा सकते हैं ऑन लीगल इशू। फैक्ट्स तो नहीं बदलेंगे क्योंकि फैक्ट्स बदलने से तो आपका ऑर्डर बदल सकता है, इसलिए अपील में केवल ये होता है कि आपके फैक्ट्स तो वही हैं किंतु लीगल इशू जो है, जो लीगल पॉइंट, जो लॉ पॉइंट अप्लाई किया गया है कोर्ट में, वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए आप अपील में आते हैं विदाउट चेंजिंग फैक्ट्स। देखिए, इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि फैक्ट्स को भी और एडिशनल दिए जा सकते हैं, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ। नॉर्मली एंड जनरली अपील में केवल लीगल इशू पर डिस्कशन होती है। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन पिटीशन में आप तीन इश्यूज को उठा सकते हैं। पहली बात कि नीचे वाले कोर्ट ने कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है या ऐसे इश्यूज पर अपनी राय रखी है जिसकी जुरिस्डिक्शन उसको नहीं थी, जिसको कहते हैं गोइंग बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। और दूसरा कि जो कुछ करना चाहिए था कोर्ट को, जिस चीज़ को देखना चाहिए था, यदि कोर्ट ने नहीं देखा तो उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की। और तीसरा, कोई ऐसी चीज़ है जो कोर्ट ने छोड़ दी, इग्नोर कर दी या अनदेखी रह गई, तो इन तीन इश्यूज़ पे आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। तो अपील और रिवीजन दोनों अलग चीज़ें हैं, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। अब आएंगे नेशनल कमीशन के उस ऑर्डर को के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे केसेस थे, सबको क्लब किया गया और क्लब करके क्योंकि आइडेंटिकल इश्यूज थे इसलिए सारे केसेस का एक ही कॉमन ऑर्डर किया गया। जो लीडिंग केस था वो था यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड टू अदर्स वर्सेस डिडवानिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये मैटर इंश्योरेंस का था। इसमें फैक्ट्स क्या थे, पहले फैक्ट्स देख लीजिए कि कंप्लेनेंट ने व्हीकल अपना इंश्योर करवाया और फिर जब एक्सीडेंट हुआ क्लेम किया तो क्लेम डिनाई कर दिया गया। तो देखकर कंज्यूमर फोरम ने सारे डॉक्यूमेंट्स जांचकर कंज्यूमर के फेवर में ऑर्डर किया और इंश्योरेंस कंपनी को उसके क्लेम को देने के लिए कहा। अब इंश्योरेंस कंपनी स्टेट कमीशन में गई, उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले थे, वो डॉक्यूमेंट हम अब सबमिट करना चाहते हैं। स्टेट कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि कंज्यूमर ने जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट थे सब हमें दिए हैं और हमने उन सबको जांच लिया है, जांच के बाद हमने अपना ऑर्डर किया है और अब आप जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो ज़रूरी भी नहीं है। रिवीजन नेशनल कमीशन में जब रिवीजन में गई इंश्योरेंस कंपनी तो पहले तो तीन जजेस की बेंच के सामने ये पेश किया गया केस और तीन जजेस की बेंच के सामने इंश्योरेंस कंपनी ने पहले वाले नेशनल कमीशन के एक ऑर्डर का रेफरेंस बताया जिसमें नेशनल कमीशन ने ही एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की, सबमिट करने की, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की परमिशन दी थी। उस ऑर्डर को देखने के बाद और फिर एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तीन जजेस की बेंच ने मैटर फाइव जजेस के बेंच को रेफर कर दिया कि इसमें डिटेल चर्चा हो। अब फाइव जजेस की बेंच ने इस मैटर को देखा और नेशनल कमीशन की क्या ऑब्जर्वेशंस थी, हम आप उस पर बात करेंगे। नेशनल कमीशन का ये मानना था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 21B के अनुसार कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ले, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में आप उसको नेचुरल जस्टिस की निगाह से देखते हो और उसमें कोई बार नहीं है। फिर
नेशनल कमीशन ने अपने ही एक दूसरे ऑर्डर की चर्चा भी की जो था खिवराज मोटर्स वर्सेस वी चंद्रबाबू एंड अदर्स। ये 2002 में नेशनल कमीशन ने ही ये ऑर्डर किया था। नेशनल कमीशन ने कुछ बातें पिन पॉइंट की थी इस केस में। नेशनल कमीशन ने 2002 में कहा था कि ये जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, ये प्रोसीजर है, वो एक मेयरली गाइडलाइंस हैं जिससे आप नेचुरल जस्टिस की तरफ बढ़ सकें। ये कहीं भी बार नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा प्रोसीजर जो नेचुरल जस्टिस के आड़े आता हो तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। आप उसको कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स के फेवर में बनाया गया लॉ है और नेचुरल जस्टिस पे ज़्यादा बल देता है, किंतु कंज्यूमर फोरम्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई नहीं होते। दूसरी बात ये भी कही कि अगर सफिशिएंट कॉज है, दूसरी पार्टी सफिशिएंट कॉज बताती है कि किस कारण से वो डॉक्यूमेंट्स पहले प्रस्तुत नहीं किए जा सके और अब वो इतने रेलेवेंट हैं कि उनके बिना जस्टिस नहीं हो सकता, तो उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की परमिशन दी जानी चाहिए। अब नेशनल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया जिसमें पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस थी कि किन पर सरकमस्टांसिस में, किन परिस्थितियों में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने जितिन के अजमेरा एंड अदर्स वर्सेस तेजास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मामले में 2019 में एक डिटेल्ड ऑर्डर किया था जिसमें रेफरेंस दिया और उसकी व्याख्या की थी। देखिए, हम हालांकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, किंतु कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एविडेंस एक्ट या सिविल कोड के प्रोविजंस जो हैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते और उनके कुछ रूल्स जो है जो नेसेसरली फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए एविडेंस एक्ट की भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में जो गाइडलाइंस दी हैं उनको पहले समझ लेते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही कि पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अब सबमिट करने की बात की जा रही है वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे जिस समय मेन केस चल रहा था एट लोअर स्टेज या लोअर कोर्ट में, उस समय ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। दूसरी बात, ऐसी स्थिति हो कि उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पार्टी जो सबमिट करती है डॉक्यूमेंट्स उनको जानकारी ही नहीं थी और वो जानकारी के अभाव में भी उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर सके। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कोर्ट अलाउ कर सकता है। और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि वो जो डॉक्यूमेंट्स अब प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट इस केस के लिए बहुत रेलेवेंट हों, और अगर वो डॉक्यूमेंट ना देखे जाए या उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की परमिशन ना दी जाए तो जस्टिस नहीं हो सकता। ये तीन पॉइंट्स इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे। अब तीन जजेस की बेंच ने ये मैटर फाइव जजेस की बेंच को इसलिए किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में व्याख्या थी और उनके ही नेशनल कमीशन के ही एक पहले ऑर्डर में भी वो इसी तरह की बात कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में इंश्योरेंस कंपनी को एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की परमिशन दी गई, क्योंकि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट बड़े इम्पॉर्टेंट थे। सर्वेयर की रिपोर्ट थी, जो पॉलिसी थी वो थी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो अप्लाई होते हैं हर केस में उसको रिजेक्ट करने में या क्लेम को अप्रूव करने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। पहली स्टेज में वो सबमिट नहीं हो सके, जो उन्होंने कारण बताया कि ये बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इसको नेशनल कमीशन ने सुना और नेशनल कमीशन ने परमिशन दी। बट रिमेंबर, नेशनल कमीशन ने जो परमिशन दी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही दी जो 2019 में डिसाइड हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। इसको इस तरह से नहीं लीजिए कि ये कंज्यूमर के फेवर में, ये कंज्यूमर के अगेंस्ट का केस नहीं है, ये एक इशू है लॉ का। इसने यदि यहाँ पर इस केस में कंज्यूमर के केस को टर्न डाउन करके इंश्योरेंस को अगर परमिट दिया है डॉक्यूमेंट
सबमिट करने का, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना कंप्लेनेंट के साथ अनजस्ट हो गया। ऐसी सिचुएशंस में क्यों होता है, क्या होता है, कोर्ट मैटर को वापस उसी कोर्ट में भेजता है जहां से ये आया है कि आप अब इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, मैरिट पे केस फिर डिसाइड होता है। तो ये सिचुएशन कभी कंप्लेनेंट के सामने भी आ सकती है, कभी कंप्लेनेंट भी ऐसा कर सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट पहले सबमिट ना किया जाए और लास्ट जब अपील की स्टेज आए या रिवीजन की स्टेज आए उस वक्त कंप्लेनेंट भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। तो ये केस ना तो कंज्यूमर के फेवर में है ना कंज्यूमर के अगेंस्ट है, किसी के भी फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, ये केवल एक लीगल इश्यू पर डिस्कशन है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए इशू के साथ। थैंक यू।